नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। रामपुर के शाहबाद की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि ये रैली राजकीय इंटर कॉलेज से स्कूली बच्चों ने निकाली। इस रैली में बच्चों ने नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। सरकारी विद्यालयों का मतदाता जागरूकता रैली है और ये प्रोग्राम 3 तारीख रहेगा। सभी जो रैली निकली जाएगी, पब्लिक को जागरूक करेगी, हमें अपना वोट जरूर लेना है। आपकी रैली निकाली, हम इस समय निकाले सभा से, कमला ईडन गार्डन से हुए, पेट्रोल पंप गाड़ी चौरासा हो गए नगर के बीच से, इस समय कुरबानी पर हैं और इसी हम लगभग डाकखाने यानी बेलबारी जा इसको लगभग समापन करेंगे। और काफ़ी बच्चे हैं, पब्लिक को जागरूक करना कि अपना वोट बहुत कीमती है, आपका वोट जरूर मिलना, वोट मिस नहीं करना, ठीक है। और पूरे पब्लिक को अमर करना है। धन्यवाद। खबर गाजीपुर से है, जहां रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने नारा दिया कि वो भी चौकीदार है। जी हां, सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो भी चौकीदार है, हम भी चौकीदार हैं। यूं तो यूपी की योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं का बखान करती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इन योजनाओं को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, यह आज हम आपको दिखाएंगे। जी हां, मामला प्रदेश के अयोध्या का है, जहां आजाद बीकापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी मरीजों को एंटी रैबिस का इंजेक्शन खत्म होने का हवाला देकर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रैबिस के इंजेक्शन मौजूद हैं। जी हां, तस्वीरें देखिए किस तरह से आजाद बीकापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीजों को एंटी रैबिस इंजेक्शन ना होने का हवाला देकर भगाया जा रहा है। लेकिन अस्पताल के वही कर्मचारी एंटी रैबिस के इंजेक्शन को गुपचुप तरीके से आयुर्वेदिक अस्पताल के खंडर भवनों में जाकर मात्र 150 रुपए में बेच रहे हैं। पूर्व मंत्री ओमवती देवी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और नगीना सुरक्षित लोकसभा से आज नामांकन करा लिया है। विकास के मुद्दे आरक्षण को लेकर ओमवती ने पार्टी चेंज की है और 2019 में लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल कर संसद पहुंचने में ओमवती सपने देख रही है और अपना मुकाबला भाजपा से मानकर चल रही है। तो नगीना से प्रत्याशी बनाया है, क्या आपके मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे ये होंगे, जो आज देश किस कगार में खड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए हमारा मुद्दा है। सबसे पहला कि तो हमारा देश में खुशहाली रहे और यहाँ के रहने वालों को सुरक्षित महसूस करे। बीजेपी में क्या लगा आपको, क्या ऐसा गलत था कि आप कांग्रेस ज्वाइन किया? इसलिए मैं बोल जाऊंगी कि देखिए, लोकतंत्र जहां खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, तो वहां हम नहीं रह सकते। जब तक हमारा देश खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र बचाने के लिए आरक्षण हमारा खतरे में है, तो इसलिए हम जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और जो जिसने इस देश को चलाने की सलाहियत है उस पार्टी में हम आए। यूपी के बुलंदशहर में लग्जरी कार पर पुलिस का स्टिकर लगाकर तस्करी कर लाई जा रही 8 लाख रुपए की विदेशी मदिरा को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से तस्करी कर लाई गई इन 171 शराब की पेटियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आए ये है शराब तस्कर रवि और विजय, जो हरियाणा से शराब की तस्करी कर बुलंदशहर में सप्लाई करने का कारोबार करते थे। दरअसल लोकसभा चुनावों के सापेक्ष इन दिनों सड़कों पर सघन वाहन चेकिंग चल रही है। पुलिस की माने तो वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का स्टिकर लगी इस लग्जरी कार और पिकअप में तस्करी की 171 पेटी शराब की सिर्फ इसलिए लाई जा रही थी ताकि पुलिस की स्टिकर लगा होने से वाहन चेकिंग से बचा जा सके, मगर चेकिंग के दौरान आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं सूत्रों की माने तो आगामी लोकसभा चुनावों में सप्लाई के लिए ये शराब तस्करी पर लाई जा रही थी। सर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 2 शराब तस्कर पकड़े गए हैं, सर कितने शराब बरामद हुई है? थाना कोतवाली नगर द्वारा आज सघन चेकिंग के अभियान, हरियाणा निर्मित शराब
पकड़ी गई है जो 171 पेटी है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये हरियाणा से शराब ला रहे थे और ये पुलिस के चेकिंग से बचने के लिए ये पुलिस का लगा हुआ स्टिकर वाहन पे यूज कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और ये पाया गया कि ये जो स्टिकर है वो फर्जी है और इनसे जो है शराब 171 पेटी बरामद की गई। और इनके साथ में अवैध असलहे भी थे और कारतूस भी इन्हें बरामद किया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज जनपद बुलंदशहर की पुलिस ने हरियाणा से लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र लाई जा रही 171 पेटी देसी शराब को पकड़कर दो शराब तस्करों को भी किया है गिरफ्तार। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि ये शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। कैमरामैन अदनान के साथ CMN न्यूज रिजवान अंसारी बुलंदशहर। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बुलंदशहर आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा और एक घर में अवैध रूप से देसी शराब बनाने की चल रही मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने खाली बोतल, हालमार्क, एक गाड़ी शराब पैकिंग करने के उपकरण व 20 पेटी अवैध तरीके से निर्मित की गई शराब बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में होली के त्योहार पर परोसी गई शराब से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों में चर्चा है कि त्योहार में परोसी गई शराब जहरीली होने के कारण 4 मौत हुई है। पता नहीं कहाँ पी सी कहाँ नहीं पी, 6 बजे शाम के आओ तो दाखिल कि कल सारा दिन कतो नहीं गया, शाम की दवाई चालू है। और आज जो है सवेरे एम्बुलेंस मंगाए के तो फिर मनहन को ले गया। आपके गांव का कोटेदार है जो वो न्योता दिया था क्या? हम नहीं पता साहब ये कहाँ घूमेगा है और कहाँ पी सी, तो मान भाई जा थे तो सगलो पिए थे अपन जो मौतें हुई है गांव में सब दारू से हुई है। अपना नाम बता दी। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर बालाघाट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए बदमाश पर लूट, हत्या, डकैती और अपहरण सहित कई अन्य मामले दर्ज है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली श्रीमती प्रीति चंद्र द्वारा मुलजिम सिया उर्फ सिया राम मीना निवासी कमालपुरा के ऊपर इनाम घोषित किया गया था, जिसकी पकड़ने के लिए श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर IG साहब द्वारा भी निर्देशित किया गया था या उनके द्वारा भी मुलजिम पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जो मुलजिम ने आज से करीब 1.25 साल पूरे पहले सरकारी इंजीनियर को अपहरण कर किया था, जिनके 4 साथी और थे जिन पर सभी पर इनाम घोषित था। जिस मुलजिम को आज मन थाना अधिकारी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय करौली के निर्देशन में गठित टीम के द्वारा कमालपुरा के पहाड़ों से गिरफ्तार किया गया, जिसकी काफ़ी दिनों से तलाश चल रही थी, जिसे अनुसंधान किया जाएगा। जिस मुलजिम पर करीब 1.5 दर्जन से अधिक लूट, हत्या, नकबजनी, डकैती, अवैध कब्जे, मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं तथा उक्त मुलजिम सिया और सियाराम टॉप 10 राजस्थान के मालवीय नगर थाने से टॉप 10 व्यक्तियों में उसका नाम है, जिसके 2 स्थायी वारंट भी चल रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक युवती ने प्रेमी के संग फरार होने के लिए पड़ोसी युवती की हत्या कर अपने कपड़े पहनाकर उसके शव को जला डाला और एक सुसाइड नोट छोड़कर फरार हो गई, मगर फरार हो रही युवती को पुलिस ने पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मृतक युवती के अधजले शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हत्यारोपी युवती को जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। ये तस्वीर है डिबाई कोतवाली के गांव खरियावली की रहने वाली 20 वर्षीय सुनीता की, जिसने पड़ोस में ही रहने वाली गुंजन रिपीट जिसकी पड़ोस में ही रहने वाली गुंजन ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो खुद को मृत घोषित कर अपने ही प्रेमी के साथ फरार होने की योजना बना चुकी थी। आरोप है कि गुंजन ने सुनीता को किसी काम के बहाने अपने घर बुलाया और उसे नशीली चाय पिलाकर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गुंजन ने सुनीता को अपने कपड़े पहनाए और अपने ही घर में जला डाला और प्रेमी के साथ फरार होने लगी। लेकिन जब सुनीता को उसके परिजन तलाश करते हुए गुंजन के घर पहुंचे
तो वहां गुंजन का अजला शव देखकर हैरान रह गए। आनंद फानंद में प्रेमी संग फरार हो रही गुंजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर कोतवाली डिवाई के खरकवारी गांव में एक लड़की को जलाकर मारने का प्रकरण सामने आया है। सर ये क्या प्रकरण है और इसमें क्या कार्रवाई हुई अब तक? डिवाई थाना अंतर्गत खरकवारी गांव में एक पड़ोस की लड़की अपने पड़ोसी लड़की को अपने घर पर गोबर उठाने के बहाने घर में बुलवाती है और उसके साथ उसने जला करके उसको मार दिया। उसके परिजन खोजते हुए इस लड़की को पहुँचे तो ये पता चला कि वो लड़की पड़ोसी लड़की जो आरोपी है उसके घर में वो लड़की मिली और उसकी डेथ हो चुकी थी। तत्काल पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुँच करके कब्जे में लिया और पंचायत नामक कार्रवाई करने के उपरांत पीएम के लिए उसको भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, अभी वो पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी लड़की की आरोपी लड़की की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्राथमिक जानकारी करने के बाद जो तथ्य सामने आया है कि मृतक लड़की मानसिक रूप से कमजोर थी और इस संबंध में और गहराई से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है कि किस वजह से। क्या नाम आपका? क्या घटना हुई है तुम्हारे यहाँ? कल करीब 9 बजे ये लड़की जो सुनीता है ये पड़ोस की लड़की ने बुलाई कि मुझे गोबर उठवा जा, तो ये चली गई। उसने इसको कुछ चाय में किसी चीज में नशे की गोली खिलाई और अपने घर में इसने बंद कर लिया और जब नशे में हो गई तो ये लड़की की गला दबा के या क्या क्या किया इसके साथ इन्होंने इसको मार दिया। उसने अपने कपड़े पहना करके और इसका चेहरा जला करके और खुद किसी लड़कों के साथ इसके संबंध हैं गलत, वो भागना चाह रही थी कि मेरा नाम हो जाएगा कि मैं मर गई और इस ये लड़की का हल्ला हो जाता कि ये भाग गई। तो लड़की को हम तलाश करते रहे करीब 2-2.5 बजे के करीब तक। जब सुबह ये पता लगी कि ये लड़की सुबह को लुवा के ले गई थी जबी से गायब है, तो सारी जगह ढूंढते हुए उस लड़की को तलाश किया जिसने ये बुलाई थी, उसका नाम गुंजन है। तो जब खबर मिली कि गुंजन अभी इस जंगल की तरफ गई है, धोती पहन करके मुंह दबा के वो जा रही थी, तो उस बच्चों ने बताया तो जंगल में जाकर के वो लड़की भाग के 2-4 लोगों ने बच्चों ने फिर वो पकड़ ली और कुछ मारपीट कुछ राजी से पूछी मारपीट भी की तो उसने बताया डर की वजह से बता दिया वो हमारे घर में मरी हुई पड़ी है, मैं मार के आई हूँ। फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस 100 नंबर वाली, फिर कुछ थाने की पुलिस भी पहुंची तो लाश उसके घर में से बरामद हो गई है। जनपद बुलंदशहर में एक युवती ने अपने आशिक के साथ फरार होने के लिए रची अपनी ही हत्या की साजिश। शहर की ही एक युवती को हत्या कर उसके शव को जला दिया और सुसाइड नोट लिखकर फरार हो गई। जनपद बुलंदशहर की पुलिस ने हालांकि उस हत्या करने वाली आशिक युवती को गिरफ्तार किया है। कैमरामैन अदनान के साथ रिजवान, CMN न्यूज़ बुलंदशहर। गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात बदमाश लवली को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बीती 27 फरवरी को नाहरपुर रूपा में दीपक नाम के शख्स पर कातिला हमला के आरोप में लवली फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि इस पर पहले से ही दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा में दीपक नाम के शख्स के ऊपर 27 फरवरी को 2 लोगों ने एक के बाद एक 3 गोलियां चलाकर कातिला हमला किया था, जिसमें एक गोली दीपक को लग भी गई थी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस मामले में दीपक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें लवली और भवानी नाम के शख्स की पहचान हुई थी। वहीं पुलिस ने भवानी को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस को आरोपी लवली की तलाश थी। हाँ जी सर, रोल रोल। गुरुग्राम पुलिस के क्राइम यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर वरुण और उसकी टीम जो सेक्टर 39 की क्राइम यूनिट के इंचार्ज वरुण हैं, उन्होंने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है
जिसने 27 फरवरी 2019 की शाम लगभग 10:30 बजे गांव नाहरपुर में एक दीपक के ऊपर फायरिंग को अंजाम दिया था। इसमें दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके बाद वो मैदानता हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जो उसमें 28 फरवरी को क्राइम यूनिट की 39 की टीम ने बहुत तत्परता से काम करते हुए एक अपराधी भवानी सिंह, जो नाहरपुर का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया था। तथा कल दिनांक 24 मार्च 2019 को जो एक बहुत कुख्यात अपराधी है, उसको लवली उसका नाम है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिस पर लगभग 12-13 के करीब आपराधिक मामले हैं, जिसमें हत्या के प्रयास और हत्या के मुकदमे हैं, जो 2001 से इस अपराध की दुनिया में आया था और 2006 से राजस्थान की जयपुर जेल में बंद था। 2017 में पैरोल पर आने के पश्चात पैरोल से फरार हो गया था। उसके पश्चात इसने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसको राजीव चौक के पास से कल काबू कर लिया गया है और जिसको आज अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश करने उपरांत उसके पुलिस रिमांड हासिल करके बाकी की जो इंटरोगेशन है वो की जाएगी। सर, क्यों गोली चलाया था इसके ऊपर, एक्सैक्ट मामला क्या था? ये आपस में क्या एक रंजिश थी, जो उस रंजिश को लेते हुए जो परिवादी ने बताया है कि गली के झगड़े को लेकर के जो है इस पर फायरिंग की। ये कौन सा गैंग से जुड़ा हुआ है सर? ये एक अपराधी है। कोई गैंग से जुड़ा हुआ सर? नहीं, ये अपराधी है, किसी गैंग से इसका कोई वो नहीं है। अपनी कार्यशैली के लिए जाने वाले हरिद्वार जिले के मशहूर जिलाधिकारी दीपक रावत इन दिनों अपने गाए गाने की वजह से सुर्खियों में हैं। आपको बता दें, यूं तो डीएम साहब को गायकी से खासा लगाव है और कई सार्वजनिक मंचों पर भी इसका नजारा भी वो पेश कर चुके हैं। जहां पूरे देश में लोकसभा चुनावों का खुमार जनता में देखने को मिल रहा है, तो वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी ने भी मतदान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास गाने के माध्यम से किया। आपको बता दें कि 1:32 के इस गाने में जिलाधिकारी ने मतदान के प्रति हर वर्ग हर जाति को जोड़कर अधिक से अधिक मतदान करने पर जोर दिया है। इस गाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम जनता भी इसे खासा पसंद कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस गाने पर लोगों का। जी, ये जो दीपक रावत जी ने एक गीत गाया है मतदान के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम है और इससे हमारे जो मतदाता है वो जागरूक होंगे। मैं दीपक रावत जी, जिला अधिकारी महोदय जी का इस गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और मैं अपनी ओर से भी जनता से अपील करता हूँ, जो मतदाता है वो समय पर निकल करके अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र में मत का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है और उस अधिकार का इस्तेमाल प्रत्येक वोटर को अपने करना चाहिए, क्योंकि हमको जो भी सरकार आएगी वो मत के ही द्वारा आनी है और मतदान हम सोच समझ करके अपने जो भी अपने हिसाब से अच्छा लगता है उसको मतदान, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के जोर दबाव, या मैं जनता से अपील करता हूँ किसी लालच में, कहीं एक लालच लुभावने, कहीं कपड़े बांटते हैं, कहीं शराब बांटते हैं, उसके लालच में आकर के मतदान ना करें, बल्कि सही वास्तव में जो जरूरत है इस समय उस जरूरत के हिसाब से ही अपना मतदान करें वे और अपने मत को डालें। मतदान के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के मकसद से हरिद्वार जिले के निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत इन दिनों खासी सुर्खियों में। आपको बता दें, मतदान करें हम नाम के इस गाने ने सोशल मीडिया पर खासी धूम मचा रखी है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस गाने को लेकर खासा उत्साहित दिख रहा है। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, CMN न्यूज हरिद्वार। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़नी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा रालोद के गठबंधन के बाद तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। बड़े नेताओं के साथ बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाने को लेकर सपा बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर दोनों पार्टियों ने बड़े नेताओं के अलावा जिले के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। ये
आपको बाई इलेक्शन जब हुआ था ना तो गोरखपुर में आप देखिए वहाँ भी ताल ठोके थे डॉक्टर सुरिता करीम जो है, और फूलपुर में जो है ठीक अहमद साहब जो पूर्व सांसद विधायक भी रह चुके हैं, तो उस समय भी आपने देखा था, उस समय समर्थन हुआ था। इस बार तो गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन के आगे कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि जनता जो है, जो गठबंधन हुआ है वो जनता को पूरी तरीके से जो 5 साल में दिक्कतें हुई है उसको दूर करने के लिए, किसानों को, युवाओं को हर तरीके से जो एक बेहतर दिशा देने के लिए गठबंधन हुआ। बस्ती लोकसभा और मंडल की आप बात छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ सपा का हर कार्यकर्ता, हर नेता गठबंधन के साथ खड़ा है, और जहां चाहे वो सपा का उम्मीदवार हो या बसपा का उम्मीदवार हो, उसको जिताने के लिए पूरी निष्ठा के साथ गठबंधन के साथ खड़ा है। और जोश में और जोशो खरोश से मदद करेंगे, गठबंधन से पूरा बल मिला है समाज में, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक पूरा नौजवान एकदम लग करके काम करेगा जिताने के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू मुक्त हरिद्वार बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई सरकारी विभाग के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर तंबाकू मुक्त बनाने पर चर्चा की गई। टोबैको कंट्रोल सेल हरिद्वार द्वारा एक निजी होटल में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एक निजी संस्था के पदाधिकारियों ने तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताने के साथ साथ रोकथाम पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। डिपार्टमेंट का है वो तो पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोबैको एक ऐसा चीज है जो सबसे जुड़ा हुआ है। आप लोग को बहुत आश्चर्य होगा, एक गैस के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, आपके पास जो मेटेरियल दिया गया है उसमें एक कॉपी भी दिया गया है, गैट सर्वे GATS ग्लोबल।